युगों युगों से चल रहा है मेघ, ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल। ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। 10 वर्ष की आयु से ही मैं अपने पूजनीय पिता श्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एवं धन ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, ये सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशि। आज 14 जनवरी 2020 दिन मंगलवार, माघ मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज चतुर्थी तिथि दोपहर 2:49 तक रहेगी और उसके पश्चात पंचमी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:09 से लेकर 12:51 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल दोपहर 3:07 से लेकर शाम 4:26 तक रहेगा। इस दौरान आप किसी भी शुभ कार्य को करने से परहेज करें। जिन भी भक्तगणों ने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा अनुरोध है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो उन तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें, कमेंट करें। आइए अब जानते हैं कन्या यानी कि वर्ग राशि का आज का राशि। आज भाग्य आपका बढ़ चढ़कर साथ दे रहा है और आज आपको उन्नति के समाचार प्राप्त हो सकते हैं। अपने करियर में ग्रोथ देखकर आप अत्यंत ही प्रसन्न होंगे। आज यदि आप किसी कंपटीशन में भाग लेने वाले हैं, विशेष तौर पर यदि स्टूडेंट्स किसी कला के प्रदर्शन के कंपटीशन में भाग लेने वाले हैं, तो उनके जीतने की प्रबल संभावनाएं बनी हुई है और अपनी कला के प्रदर्शन के लिए वो आज पुरस्कृत भी होंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। आज आपके घर में शांति का माहौल बना रहेगा। भक्तगणों, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है, या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाता है, ट्रांसफर हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है, आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि नहीं आ पा रही है, आपके पास धन की कमी बनी रहती है, या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बीमार रहते हैं, या आपके बच्चे बीमार रहते हैं, या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर, या ईमेल के माध्यम से, या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा गुरु रजनीश ऋषि जी से, या गुरु मां रुक्मणी जी से, या आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटी सी फीस जरूर देनी होगी, जिसका प्रयोग शनिपीठ मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए, हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, कर्म के काम जैसे कि यज्ञों महायज्ञों के आयोजन के लिए, प्रसाद एवं लंगर के वितरण के लिए किया जाता है। आपके द्वारा दी गई इसी फीस में से हम अगले दिन प्रमुख रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा अवश्य करते हैं। आज अपने पिताजी के साथ आप बहुत ही अच्छा समय व्यतीत करेंगे। यदि आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो आपकी यात्रा सुखद रहने वाली है, आपको किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज का दिन आपके लिए पूर्णतः अनुकूल सिद्ध होने वाला है। कन्या राशि वालों, अगर आपकी आमदनी कम है और आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित मोती की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं।
आइए अब जानते हैं वो चमत्कारी उपाय जिसे करने से आप यदि अपने जीवन में कर्ज के बोझ के तले चले जा रहे हैं, आप जितना भी कमाते हैं वो सभी आपकी ब्याज या प्रिंसिपल अमाउंट को ही चुकाने में खर्च हो जाता है, तो आज इस उपाय को करने से निश्चित तौर पर आपको जल्द ही अपने जो कर्ज है उससे मुक्ति मिलेगी। आज आप किसी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के सम्मुख कुश के आसन पर विराजमान होकर सबसे पहले हनुमान जी को प्रणाम करें, फिर जनेऊ का एक जोड़ा वाला चोला चढ़ाकर चमेली के तेल का दीपक, गुग्गर की धूपबत्ती व चंदन की अगरबत्ती समर्पित करें। उसके बाद पान के एक पत्ते पर थोड़ा सा शुद्ध मक्खन लगाकर पीले पुष्पों के साथ अर्पित करें। इसके बाद गुड़ चने का भोग लगाएं और कुछ पैसा आप भगवान जी को अर्पित करें और हनुमान जी से प्रार्थना करें। आप इसके बाद 11 बार परिक्रमा करें और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और एक बार ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ करें। जब ये कार्य समाप्त हो जाए उसके बाद आप मंदिर के पंडित जी से प्रसाद स्वरूप में थोड़े से चने और गुड़ प्राप्त करें। घर लौटकर गुड़ चने को लाल वस्त्र में बांधकर किसी सुरक्षित स्थान पर रखें। जब आपका एक कर्जा आपके सर से उतर जाए तो आप इस प्रसाद को ग्रहण करें। निश्चित तौर पर यदि आप इस उपाय को श्रद्धापूर्वक करते हैं तो जल्द से जल्द आपके जीवन में आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको पूरे 5 स्टार देता हूं। नाम वरुण घोष है, हम कलकत्ता से दिल्ली में आया था और दिन कुछ इधर उधर बहुत मंदिर के पास गया था, कुछ काम नहीं हुआ। फिर अचानक इधर एक राजेंद्र प्लेस में गुरु जी का बैनर देख के हम इधर आया था। फिर हम नाक पहना है, पहनने के बाद हमको पहले से बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। और लोगों को भी हम बोलना चाहता है जे आप लोगों का कुछ प्रॉब्लम गुरु जी के पास आइए, गुरु जी आप लोगों का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।